आइए आज हम बात करते हैं लीजियोनेला नेला की ठीक है तो लीजियोनेला नेला जो है ये देखिए ग्राम नेगेटिव रॉड है ठीक तो है, तो है तो ग्राम नेगेटिव रॉड है तो ग्राम स्टेज पोर्ली यानी ये ग्राम स्टेन में इसमें पोर्ली देने को मिलता है इसी वजह से तो ग्राम नेगेटिव है तो ग्राम नेगेटिव तो रॉड है और तो इसमें ग्राम स्टेनिंग पोर्ली हमको देखने को मिलता है इस वजह से हम इसमें सिल्वर स्टेन यूज करते हैं ठीक है तो सिल्वर स्टेन यूज करते हैं और सिल्वर स्टेन में हमको ब्लैक दिखाई देता है हमको मालूम है कि सिल्वर स्टेन में हमको ब्लैक चीज दिखाई देती है ये चीज वही और उसका फिर ये बात करें कि ग्रो किस पे होता है तो देखिए चारकॉल यीस्ट स्टेट पे ये ग्रो होता है तो चारकॉल यीस्ट स्टेट मीडियम पे ये ग्रो होता है और इस पर इसको ग्रो होने के लिए आयरन और सिस्टीन की जरूरत पड़ती है ठीक है तो आयरन और सिस्टीन की जरूरत पड़ती है साथ में पी की बात करें तो सिक्स पॉइंट और हाई ह्यूमिडिटी की जरूरत पड़ती है तो इसमें ग्रो करता है ठीक है तो चारकॉल यीस्ट स्टेट पर ग्रो करता है साथ साथ इसके लिए जरूरी है कि आयरन होना चाहिए और सिस्टीन प्रेजेंट होना चाहिए और पीएच भी सिक्स पे 6.9 और हाई जरूरी है, तब ये है? चार पे और इसके की बात कि जा है कि ये कैसे होता है, तो ये, तो में होता है तो उससे इसको हम डिटेक्ट करते हैं ठीक है तो इसके एंटीजन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं और लैब डायग्नोसिस की हम बात करें तो देखिए लैब डायग्नोसिस हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है, है तो ये हो गया हमारा निमोफेलिया की बात और उसके बाद फिर देखिए अब हम बात करें कि यहाँ पे ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है तो देखिए एरोसोल ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्वायरमेंटल वाटर सोर्स हैबिटेट ठीक है तो इन्वायरमेंटल वाटर सोर्स हैबिटाट है इसका हमको एरोसोल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है तो यहाँ पे एक चीज़ हम बताएं देखिए पर्सन टू तो पर्सन यहाँ पे इसका ट्रांसमिशन नहीं होता है पहली बात तो ये और दूसरी बात ये कि जो वाटर जमा होता है ना एकूमेलेटेड वाटर जो होता है उससे ये फैलता है वो इसके रिजर्वायर होते हैं जैसे हम बात कर लें तो यहाँ पे देखिए जो दिया गया वही हम बता रहे हैं कि जैसे रिवर है या इसी तरीके से स्ट्रीम्स हैं और ओशियंस हैं या हॉट स्प्रिंग्स हैं ये सारे इसके रिजर्वायर्स हैं और ये नेचुरल रिजर्वायर हुए और अगर हम आर्टिफिशियल रिजर्वायर की बात करें तो यहाँ पर देखिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम में ए जो हमारी होती है वो नहीं बल्कि जैसे कूलर वगैरह होता है जिसमें पानी रुका रहे वो इसके रिजर्वायर होते हैं ठीक और देखिए हॉट वाटर टैंक तो यहाँ पे हॉट वाट वाटर टैंक में यानी पानी रुका रहेगा यानी पानी रुका रहना चाहिए तब ये रिजर्वायर का काम करता है ठीक है तो एयर कंडीशन में हमें मालूम है कि पानी नहीं रुकता अगर पानी रुक रहा है तो एयर कंडीशनर भी इसका रिजर्वायर का काम का करेगा वैसे एयर कंडीशन में पानी नहीं रुकता है बल्कि जो कूलर होता है कूलर में हम पानी डालते हैं ये कूलर इसका रिजर्वायर का काम करता है कूलर में ये पाए जाते हैं ठीक तो ये हो गया एरोसोल ट्रांसमिशन फ्रॉम इवायरमेंटल वाटर सोर्स हैबिटाड दैट इज एयर कंडीशनिंग सिस्टम तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम से यहाँ मुराद लिया गया है कि कूलर वाटर कूलर जिसमें हम पानी डाल के रूम को ठंडा करते हैं ए नहीं और आउटब्रेक्स एसोसिएटेड विद क्रूज शिप्स नर्सिंग होम्स तो आउटब्रेक कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा देखिए क्रूज शिप्स या नर्सिंग होम्स ठीक है तो ये आउटब्रेक इसके देखने को मिलेंगे इन जगहों पे तो वाटर जहां भी एकुलेट होगा ना वहाँ पे देखने को मिलेगा ये जैसे ऑक्यूपेशनल कंडीशन में देखने को मिलता है कि फार्मर्स में ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है और सारी चीजें तो मीनस जो पानी के कॉन्टेंट में ज़्यादा आते हैं ना वहाँ पर इसका ट्रांसमिशन ज्यादा देखने को मिलता है ये चीज़ें बताई गई है और ट्रीटमेंट की बात करें तो माइक्रोलाइट या क्यूनोलॉन्स ठीक है तो माइक्रोलाइट या क्यूनोलॉन्स इसका ट्रीटमेंट है

आयरन डैगर ठीक है डेगर यानी खंजर ये देखिए ये हम डेगर बनाए अपना आयरन डैगर लिए हुए ठीक है और ही इज मिसिंग हिज सिस्टर और ये जो है अपने सिस्टर को मिस कर रहे हैं तो ये कहानी समझो बताई गई कि इस तरह से हम इसको याद रखेंगे तो शोल्डर से जो है हमारा लीज नहीं रहा तो देखिए ये लीजियो निमोनी तो शोल्डर से हो गया लीजियो नेरा कि लीजियो ने हमको क्या क्या देखने को मिलेगा तो देखिए सिल्वर हेलमेट तो सिल्वर हेलमेट से क्या हो कि सिल्वर स्टेनिंग हमको इसमें देखने को मिलेगी देखिए सिल्वर स्टेनिंग देखने को मिली और उसके बाद देखिए कैम फायर तो कैम फायर ये देखिए कैम फायर है तो कैम्प फायर से हम याद रखेंगे चारकोल ठीक है तो चारकोल जो है कैम फायर से इसको याद रखेंगे और आयरन डैगर तो देखिए आयरन तो पता चला कि हमको इसके ग्रो करने के लिए आयरन की जरूरत पड़ेगी ठीक है तो चारकोल में आयरन और सिस्टर से देखिए सिस्टीन तो आयरन और सिस्टीन की जरूरत पड़ेगी तो इस तरीके से इसके इंपॉर्टेंट चीजें हम याद रखेंगे कि थिंक ऑफ ए फ्रेंच लिजुनेरी विद हिज सिल्वर हेलमेट सिटिंग अराउंड ए कैंप फायर विद हिज आयरन डेगर तो शोल्डर से हम याद रखेंगे लिजिनेरा और सिल्वर हेलमेट से याद रखेंगे कि सिल्वर स्टेन हम यहाँ पे देखते हैं और चारकोल्स याद रखेंगे कि चारकोल्ट एक्स्ट्रेट मीडियम पे इसको हम ग्रो कराते हैं और यहाँ पे आयरन और सिस्टर यानी सिस्टिन की जरूरत पड़ती है ठीक है तो ये हो गया अब ये देखिए डिजीज का कॉज कराता है तो लीजियोनेरी डिजीज ठीक है तो लीजियोनरिज डिजीज का कॉज कराता है तो लीजियोनरिस्ट डिजीज क्या है देखिए सिवियर निमोनिया तो सिवियर निमोनिया देखने को मिलेगा और ऑफन यूनिलेट्रल एंड लोबार तो देखिए यूनिलेट्रल और लोबार निमोनिया देखने को मिलेगा देखिए सिवियर निमोनिया है और देखिए इस, इस तरफ नहीं है इसी तरफ है तो सिवियर निमोनिया और यूनिलेटरल है ठीक है और लोबार निमोनिया देखने को मिलेगा और उसके अलावा फिर क्या देखने को मिलेगा फीवर देखने को मिलेगा ठीक है फीवर देखने को मिलेगा जी एंड सी एन सिम्टम भी देखने को मिलेंगे तो ये हमको लीजियू नेरा इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिलता है ठीक है लीज्यू नेरा तो न्यमोफिलिया से नाम पता चला कि हमको यहाँ पर नमोफिलिया यहाँ पे हमको निमोनिया देखने को मिलेगा और निमोनिया के अलावा क्या क्या देखने को मिलेगा फीवर देखने को मिलेगा जी एंड सी एन सिम्टम देखने को मिलेंगे और उसके बाद फिर रिस्क फैक्टर की बात की गई तो देखिए रिस्क फैक्टर इंक्लूड ओल्डर एज और मेन ज्यादा कॉमन होते हैं ठीक है थीका? मेन में भी ओल्डर एज या टोबैको स्मोकिंग या क्रोनिक लंग डिजीज तो ये इसके रिस्क फैक्टर हो गए और यहाँ पे देखिए पॉन्टाइक फीवर तो पॉन्टाइक फीवर क्या होता है माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम देखने को मिलता है इस तरह से इसको स्पेसिफिक नाम दिया गया है कि लीजियोनेला न्यूमोफिलिया में पॉन्टाइक फीवर देखने को मिलता है ठीक है तो पॉन्टाइक फीवर क्या होता है ये माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम है ठीक है तो यहाँ पॉन्टाइक फीवर हम याद रखेंगे कि लीजियोनेला न्यूफी में हमको देखने को मिलता है तो ये हमारा कंप्लीट हुआ लीजियोनेला न्यूमोफीला का टॉपिक अब हम बात करते हैं सुडोमोनास एरि ठीक है